कौन सी वीडियो देखी थी? जो आपने टीवी में भेजी थी मेरी। कब भेजी मैंने टीवी में? भेजी तो थी। भेजी थी? हाँ। स्माइल कैसी हुई इतनी प्यारी? आपने कल क्यों भेजा? भूल गए? वीडियो जो बनाई थी वहाँ मैंने देख ली। आप कल दुकान में थे तो मैंने आपको देख लिया था। पक्का? तो दोस्तों अभी जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो इस छोटी बच्ची से हो रही है। पहले इसका नाम पूछ लेते हैं। नाम क्या? चितवन। इधर इधर देख के। चितवन। यहाँ क्यों आए थे आप ये बताओ पहले। मैं नानी को देखूं। नानी कहाँ गई? नानी नहीं मिल रही? मुझे नहीं मिल रही। कहाँ है नानी? तो नानी को क्यों ढूंढ रहे हो? नानी जरूरी है बहुत ज्यादा है। नानी यही आ रही है जी हमारे घर में। सामान छोड़ा था नानी ने ना यहाँ पे। बाय कौन है ये? बाय। सब्स के? से बाय। सब्स? से स्काई बाय। चैनल का नाम? चैनल का नाम? देवी के रेल वाले का। देवी के रेल वाले को सब्सक्राइब करो। चलो बाय जाओ अब। तो दोस्तों मॉर्निंग हो चुकी है। कल जो मैंने एक हल्की सी वीडियो दिखाई थी वो एक बच्ची की थी रात की, और अभी सुबह हो चुकी है। और ये देखिए अभी दिखाते हैं बैक कैमरे से, कुछ सवाल करते हैं आपसे कुछ। तो ये हमारे पिताजी अभी चाय पी रहे हैं। ये नाश्ता कर लिया है। बोल लो कुछ। मैं हाँ गुड मॉर्निंग देर दिन का ठेले वाला। कल मैं एक वीडियो देख रहा था व्हाट्सएप पे, उसको उन्होंने घर से निकाल दिया था बुड्ढे को। क्या मतलब? घर से निकाल रखा था बुड्ढे को। सीपीडब्ल्यू नौकरी करता, रिटायर्ड आदमी था, उसको बाहर निकाल कर रखा बाहर। तो उसे देख के आपको अपनी याद आ गई? मुझे देख के ये दुनिया क्या चीज है। अच्छा है? बेचारे को पेंशन मिलती है तो घर से बाहर निकाल रहे। तो फिर पेंशन किसे मिलेगी फिर? वो कह रहा आज पेंशन हम खाएंगे, आज तू खा, वो बाहर से खाएगा। हाँ वो कह रहा मैं तुम्हें एक पेंशन दूंगा आदि भी नहीं जब मुझे घर से निकाल दे रहे तुम। बुड्ढा था कौन उनका? बाप। जानने वाले नहीं भाई मैं। सुनो तो हाँ। उसकी तो पेंशन थी, आपकी तो पेंशन भी नहीं है, अब बताओ। अरे बेटा दिमाग तो है मेरा। ये बताओ खाया क्या आज? आज बेटा पनीर की सब्जी, करेले का भुर्ता, फर्स्ट क्लास बना हुआ। तो हुआ कैसे? हाँ कैसे? अरे मजा आया। 10 रोटी खाती और दिन 2 खाता था, आज 10 खाती, बड़ा ही मजा आया। ये देखिए दोस्तों ये महाराजा महाराजाओं का बिस्तर उठाया जा रहा है। 10 रोटी खा ली, बिस्तर नहीं उठाना। इधर आके बोल, थोड़ा यहाँ पे आके बोल। थोड़ा मैं लड़ाई कराता हूँ दोस्तों, आज ना घर में थोड़ा मजा नहीं आ रहा, कंटेंट थोड़ा वैसा हो नहीं रहा। क्यों? थोड़ा रोटी खानी है, बिस्तर में अब उठा रहे हो, देख रहे हो? तो इसे उठाने के लिए तो 20 खानी पड़ेगी। इसे उठाने के लिए 20 खानी पड़ेगी। दोस्तों अभी जरा अपना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आपको दुकान में लेके चलते हैं, मनीष भाई को दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं, और फिर आता हूँ दिन में घर। फिर इन्हें दोबारा और हाँ आज मम्मी व्लॉगिंग करने वाली है दोस्तों। इधर हमें आज मैं व्लॉगिंग करने वाली है। हाँ। अरे इधर तो आ यार, पीछे है ना मेरे पीछे। हाँ व्लॉगिंग करने वाली है मम्मी। कहाँ पे करने वाले हो? आज मनीष के घर जाने वाली हूँ मैं, और वहाँ पे मैं मनीष का घर भी दिखाऊंगी पूरा। चलो ठीक है, अच्छा घर बना हुआ है, गृह प्रवेश का है वो, तो दिखाऊंगी। चलो अब दुकान में मिलते हैं दोस्तों आपको। तो दोस्तों दुकान के लिए जा रहे हैं हम, और ये पत्ता गोभी ले जा रहे हैं हम। ये देखिए इसे पकड़ लिया ऐसा, यहाँ पर आइसन। तो दोस्तों यहाँ पे बैठे हैं, 10-15 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं मनीष भाई का। इस गेट के पीछे से वो एंट्री मारेंगे। तो अभी मेरे उसमें आज ही बैलेंस खत्म होता है, इसलिए मैं कॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो बंदा आ भी नहीं रहा नीचे। तो होता क्या ना, मैं अपने घर से कॉल करता हूँ पहले कि भाई हो गया तैयार, तो बोलता है हो गया तैयार मैं। उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पर आता हूँ, 100 मीटर ही आ गया मेरा घर, उसके बाद दोबारा कॉल करता हूँ भाई आ जा, तब जाके आता है बंदा। तो अभी तो कॉल करने के लिए बैलेंस ही नहीं है, तो बंदे आ ही नहीं रहे। 20 मिनट हो गए मेरे को यहाँ। ये दोस्तों मनीष भाई आ चुके हैं। ये एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, देखें मैं बताता हूँ इसका। ये चोट लगा दी भाई ने। कैसे लगी चोट? अरे गाड़ी फिसल गई है।
मुंह पे भी लगा रखी। अबे भाई क्या बचपना है यार। देखो ये आज पता चल रहा है मेरे को ये चीज, अब भी पता चल रही है चीज। चलो चलो यार। कब अभी फिस लिया रात में? ये देखो ये इनके हाल देख रहे हो भाई, एक टांग से चल रहा है। ये देखो अभी बताता हूँ क्या करा भाई ने। तो दोस्तों भाई ऐसे काम करने वाला है आज, लंगड़ा लंगड़ा के देखे। और पहले इसके इसका मुंह दिखा देता हूँ। इधर ये होंठ भी सुझा रखे भाई ने। इधर तो आ जल्दी आ, फिर मैं भी काम पे लग रहा हूँ यार। जरा सा दिखा देते हैं क्या है। एक यहाँ पे है देखिए, मतलब क्लीन सेव हो गया यहाँ पे पूरा। और दूसरी यहाँ पे पैर पे, और कहीं भी लगी हुई? यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगी हुई ना, और कहीं है? तो मिलते हैं दोस्तों काम के बाद। अब क्या करें, काम तो करना है। भाई ने चोट लगा दी, बारिश में फिसल गया था बाइक से। तो दोस्तों ये जो हमारा अनुराग है, इसको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्योंकि कल ही हमारे साथ रैली में आया था। तो यहाँ नहीं देखना, यहाँ नहीं देखना, यहाँ नहीं देखना मेरे भाई। ये क्या है भाई? है खुशी हुई? बहुत पक्का? अरे ये तो भाई मजा है, इसमें तो मजा है। पक्का अच्छा लगा? अच्छा लगा, अभी खाया नहीं, देखते कैसा लगता है। खाओ फिर भाई। मारो है? ये है, अभी बताते हैं तुम्हें। तो ये अपने जो दूसरे पार्टी के जो हमारे सीएम का चेहरा, ये भी आ चुके हैं। हेलो कर दो पहले। हेलो, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है पता है। इधर नहीं, अबे इधर हट। पहले ही नहीं देख रहा, देखा तो नहीं ना? ये देख लिया, देख लिया। मरो है खाते ही, बात नहीं होगा भाई। क्या सीन है यार, तुमने हमारी बेइज्जती कर दी है। तो ये तो होता ही है। तो ये देख रहे हैं आप, थोड़ा अपना ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है। और ये चाय, ये चाय एक बार चुस्की लीजिए चाय की। और मैं एक चीज़ बता दूँ, इस चाय की जो चाय मतलब सही होती है ना, गाढ़ी चाय एकदम, मलाई जमती उस पर मिनट से पहले, सेकंड से पहले। कैसी हो रही सही के लिए तो मैं मर रही। ये देखिए भाई, एक मरीज भाई को, हमारे मनीष भाई नहीं, अब ये मरीज भाई हो चुके हैं, चोटें लग चुकी हैं होठों पे। तो अब ये खाते हो, खाओ यार, तोड़ो इसे, तोड़ो मामला विद चीज़। ये देखिए इसका चीज़ देखिए, लपेटो। आए हाय हाय, मज़ा आ गया भाई। ये देखिए दोस्तों, लो रतोड़ी भाई खाओ। थैंक यू। अबे तो जम गई, अबे बर्फ में जम गई है, ऊपर का निकाल। कोई नहीं, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों घर आ चुका हूँ मैं, बारिश चल रही है बाहर पे। कैसा लग रहा है, भीगा हुआ लग रहा हूँ? भीगा हुआ लग रहा है बेटा, बहुत पानी से भीगा है। इसमें गलती तेरी है भाई। गलती किसकी है? रेनकोट तीन पड़े हैं हम पे, पर ये जो है बिना रेनकोट का चल पड़ता है। बिना रेनकोट का चल पड़ता है, सही बात है कि नहीं? हाँ सही बात, बिना रेनकोट मत चलो और भीगो मत। खांसी रेनकोट जो है उसके अंदर रखा करो एक। किसके अंदर? ये स्कूटर की डिक्की के अंदर। आगे और बोलो, बोलते हैं डिक्की के अंदर रखो ना रेनकोट, फिर आगे खांसी जुकाम लगे तो कैसे क्या क्या होगा? डॉक्टर पे ले जाओगे आप लोग और क्या? डॉक्टर क्या, घंटे घर में घूमता रहता सबसे सारे भूकानून में। मैं कह रहा हूँ मत भीग, मत भीग बारिश में, तू जाता रहता है। नेथानी भाई हमारे साथ आ चुके हैं, बड़े दिनों बाद आ रहे हैं। और यहाँ ये खुश हो गए, आई लव यू नेथानी भाई, बोलते एक बार सब एक साथ। हेलो, आई लव यू नेथानी भाई बोलेंगे, आई लव यू नेथानी भाई बोल दो। गाली में काट दूंगा, सुनो पब्लिक को कुछ तो बोल दो। पब्लिक हमारा आजकल चल रहा है, आगे तो बोलो चल रहा है आगे, उसका सपोर्ट करो सब लोग। हमारे छोटे भाई बड़े भाई सब लोग आओ, उसका सपोर्ट करो, बिल्कुल करो। धन्यवाद, हमारी याद आती नहीं आती दुकान की? अरे बहुत आती यार भाई, बगल वाल था ये दिन की दुकान देखी, यहाँ से नेतानी भाई निकलते थे, आज पता नहीं कहाँ से निकल रहे, कहीं से भी निकल रहे। पर आए तो हम आपके पास, चलो ठेला बना दे, चलो भाई मजा आ गया। तो दोस्तों अपने शैलेंद्र भाई आ चुके हैं, आज तक मैं वही जो आज तक नहीं हुआ इन्होंने वो कर दिया। देखिए ड्रेसिंग सेंस देखिए पूरा बदल चुका है, पहले ऐसे नहीं थे अपने भैया। और लेट लगा रहे हैं भाई, लेट ही लगा रहे हैं। अबे यार तो, साढ़े नौ कहाँ हुए अभी? साढ़े नौ नहीं भाई जी, हमने आधे घंटे पहले कर दिया, बाकी पांच कॉल अलग से करी, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? पांच लिए थे भैया, पांच ही। चलो पांच ले लिए यार। अच्छा सॉरी तो बोल दो यार, इतनी लेट आ रहे हो।
नहीं यार मैं अपने टाइम पे हूँ, 9:30 तक आपका टाइम पे हो गया। कॉल नहीं उठाया, कॉल कर रहे थे नहीं, ये फोन इसमें पड़ा था। आप पहले वाला बन जाओ ना यार शैलेंद्र भाई। यार मैं मानता हूँ जिंदगी थोड़ी बदल गई, पर पहले वाले ही तो हूँ यार। पहले वाले नहीं हो यार, अब ये कपड़े ऐसे कर दिए तो पहले कैसे रह गए यार तुम। ये देखो दोस्तों ये है, कितने सर ये देखिए इनका, इनके खुशी देखिए। जैसे इन पे कैश आता है ना तो इनकी मुंह की जो ये है ना स्माइल बहुत बड़ी हो जाती है। ऑर्डर डाल रहा हूँ मैं, चलो बाय कर दो यार अपने ग्राहकों को बाय। दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ यहाँ पे, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो अपने शैलेंद्र भाई उनकी मैं थोड़ी कहानी सुना देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऐसा है ना जो जो कैरेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस व्लॉग में, उनकी कहानियाँ जब पता रहती है तो कैरेक्टर बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो वो ऐसे टाइप के बंदे हैं ही नहीं जो कपड़े ऐसे पहने, अच्छे खासे पहने, जीन्स वीन्स पहने। वो तो मतलब मैदे का जो काम करता है भाई, मैदे के कट्टे, कभी किसी ने कुछ मंगा लिया भारी सामान मतलब एकदम, तो वैसे बंदे हैं। तो ये कपड़े तो उन्हें शोभा देता ही नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो चक्कर है वो किसी लड़की का है दोस्तों, क्योंकि अब उनकी शादी की उम्र होगी तो शायद उन्होंने बोला होगा कि भाई ये क्या है, ऐसा नहीं चलेगा काम, तो यही चक्कर लग रहा है दोस्तों। तो बहुत जल्द शायद शैलेंद्र भाई की शादी होने वाली होगी, जिस चक्कर में उन्होंने अपना हुलिया पूरा बदल दिया, अब स्मार्ट लगने लगे वो। और अब हम आपको मिलाते हैं अपने घर वालों से, मॉम एंड डैड से। दोस्तों ये मैं पहुंच चुका हूं घर, और ये हमारे पिताजी। हाँ बेटा पहुंच गए आप घर? पहुंच गए। हाँ बेटा मैं भी खाने की तैयारी कर रहा। क्या है मिल रहे जरा दिखाओ वहाँ पे, बताओ आओ। भाई वही करेला की सब्जी है, दाल फ्राई है, और रोटी ताजी ताजी रोटियां बन रही है। कितनी रोटियों का चैलेंज हो आज? लगभग लगभग 3 से 4 तक का रोटी चैलेंज। एक भुट्टा खाया पहले और एक बासी रोटी भी थी उसमें, वो भी खा दी थी। भूख लग गई होगी? नहीं करेला। यह पाचन तंत्र बड़ा तगड़ा है यार आपका पेट का। आज ठीक हुआ बेटा, बहुत दिनों से खराब चल रहा था, आज थोड़ा ठीक है। अब फिटनेस दिखा दो जरा अपनी ऐसे। अरे मारोगे यार, ये हमारी भी बोल रही देखो, और चाहिए क्या जिंदगी में, एंटरटेनमेंट हो रहा है दोस्तों ये। अरे एंटरटेनमेंट खा गए यहाँ से पापा गायब भाई, एक सेकंड में गायब हो गए भाई। मैं कह रहा था कभी कभी भारी पड़ जाता है ऐसा एंटरटेनमेंट। तो क्या बोलना चाहोगे मम्मी आप? क्या बोलना, मैं कहीं दर्शन मतलब जिंदगी में एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। क्योंकि ऐसा ना पिताजी की फैन फॉलोइंग है तगड़ी। सही बात है, होनी भी चाहिए। चलो फिर तू बोल दे यहाँ से बाय। अब दोस्तों खाना खा रहे हैं। बाय बाय बाय, देर दूंगा ठेले वाला। ठीक है बाय।